न्यूज क्लिक चाइनीज प्रोपोगेंडा और नेवल रॉय सिंघम, ये तीन नाम पिछले दो दिनों से संसद में जमकर गूंजे। राहुल के आते ही उन पर निशिकांत दुबे ने चीनी प्रोपोगेंडा को लेकर आरोप लगा दिए कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है, और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा ये है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा पूरा खुलासा किया है, और वो जो न्यूज क्लिक है सर वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है, पुरकाश उसका मालिक है, उसके सारे पैसे में कहां कहां से मिले, कैसे नक्सलाइट को दिए गए, कैसे माओवादियों को दिए गए। तो आइए पहले जानते हैं कि ये मामला क्या है और कौन है नेवल रॉय सिंघम। दरअसल 7 अगस्त को अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने चाइना के एक सिस्टम के तहत प्रोपेगेंडा चलाने का भांडा फोड़ किया। इसमें सबसे बड़ा नाम सामने आया नेवल रॉय सिंघम का। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सिंघम चीन की सरकारी मीडिया मशीनरी के साथ करीब से काम कर रहे थे। वो अलग अलग देशों में चीन का प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं, जैसे कि चीन की छवि को अच्छा दिखाना। उसके लिए सिंघम ने ग्लोबल नेटवर्क तैयार कर रखा था, जिसके तहत भारत में भी न्यूज क्लिक नाम के मीडिया संस्थान को सिंघम ने फंडिंग दी, जो कि चीन के गौरवपूर्ण इतिहास जैसे वीडियो बनाने पर काम कर रहा था। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक चीन का इतिहास कामकाजी वर्ग को प्रेरित करता है, इस तरह के वीडियो न्यूज क्लिक ने बनाए हैं। सिंघम एक पूरा नेटवर्क बनाकर चीनी मीडिया के प्रोपेगेंडा पदों को बढ़ावा देते। उइगर मुसलमानों के नरसंहार से इनकार करना और उन पर अत्याचारों की बातों को नकारना और रूस की पैरवी करने जैसे वीडियो बनाने और उनका प्रोपेगेंडा चलाने का वो काम कर रहे थे। सिंघम ये सब नॉन प्रॉफिट ग्रुप यानी कि सामाजिक काम करने वाला संस्थान और शैल कंपनियां यानी कि नकली कंपनी के जरिए कर रहे थे। साउथ अफ्रीका में एक राजनीतिक पार्टी को समर्थन करना, भारत और ब्राजील में न्यूज ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करना, ये सब चीन के गुनाहों को छुपाने और इमेज साफ रखने के लिए किया जा रहा था। तो आइए उस शख्स के बारे में जानते हैं जिस पर अमेरिका में पैदा होकर चीन की इमेज को साफ सुथरा रखने का आरोप लगा है, जिसके लिए वो करोड़ों डॉलर खर्च करता है। आरोप है कि भारत के न्यूज क्लिक मीडिया संस्थान को सिंघम ने इस काम के लिए 38 करोड़ की फंडिंग भी की। नेवल रॉय सिंघम अमेरिकन बिजनेसमैन है, जो कि थॉटवर्क नाम की कंपनी के फाउंडर हैं। ये एक आईटी कंसल्टिंग कंपनी है। फिलहाल नेवल चीन के शंघाई में रहते हैं और उन पर चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने और चीन के उइगर मुसलमानों पर अत्याचार और नरसंहार की बात को नकारने की दिशा में काम करने का आरोप लगा है। नेवल का जन्म अमेरिका में 1954 में हुआ। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। अमेरिका में उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर कई सालों तक काम किया। 1993 में उन्होंने थॉटवर्क नाम की आईटी कंपनी शुरू की, जिसे फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने टॉप 50 ग्लोबल थिंकर्स की लिस्ट में शामिल किया। वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखर समर्थक रहे हैं। मिलियन डॉलर्स उन्होंने चीन के प्रचार प्रसार के लिए डोनेट किए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि सिंघम के फंडेड संस्थानों ने यूट्यूब वीडियोस बनाए जिन पर मिलियंस में व्यूज हैं। वो दुनिया की राजनीति पर असर डालने की तरफ काम कर रहे थे, जैसे कि साउथ अफ्रीका में राजनीतिक हस्तियों को ट्रेनिंग देना, उनके उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना और प्रदर्शनों को ऑर्गेनाइज करने तक का काम किया जा रहा था। जैसे कि जो लंदन में प्रदर्शन हुए, जो कि बाद में हिंसा में तब्दील हो गए, वो भी इसी के हिस्से आते हैं। नेवल रॉय सिंघम ने जोड़ी से शादी की। जोड़ी कोट पिंक से जुड़ी हुई है। कोट पिंक वो एनजीओ है जो उइगर मुसलमानों पर अत्याचार की बात को नकारता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एवांस शादी से पहले क्लाइमेट चेंज, जेंडर जस्टिस और चीन की तानाशाही सरकार का विरोध करती थी। लेकिन 2017 तक आते आते उनका रुख बदल गया। उनका संस्थान चीनी सरकार की तारीफ करने लगा और तो और उइगर मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर में रखना सही ठहराने लगा। फिर बाद में कोट पिंक की फाउंडर ने नेवल रॉय सिंघम से शादी भी कर ली। जुलाई 2021 में ईडी ने न्यूज क्लिक के प्रमोटर के ईमेल से ये खुलासा किया कि चीन की ओर से 38 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और अब
न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये सब खुलासे किए हैं, जिस वजह से न्यूज क्लिक और नेवल रॉय सिंघम फिर से पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गए हैं। हमारे आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर जरूर करें।